हेलो गाइस सर, वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूं मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर। एंड गाइस आज के इस वाली वीडियो में, लेकिन एक सेकंड भाई, ये क्या हुआ मेरे को, मैं एनिमेशन में हूं। ओके तो गाइस ओवर एक्टिंग होगी। गाइस ये जो आप अभी कूल सी एनिमेशन देख रहे हो, ये मैंने बनवाई है फाइवर से। एंड आप भी ऐसे कूल कूल चीजें बनवा सकते हो माइनक्राफ्ट से रिलेटेड, लाइक मोड, डेटा पैक, प्लग इन, मैप, एनिमेशन, स्किन, जो आप बनवाना चाहते हो वो सब कुछ। बट इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस मेरी डिस्क्रिप्शन वाली लिंक के थ्रू जाकर फाइवर पर रजिस्टर करना है। और साथ ही गाइस मैंने फाइवर से आप सभी के लिए फ्री में पीवीपी टेक्सचर पैक बनवाया, जिसको आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाओ एंड वो टेक्सचर पैक डाउनलोड कर लो। साथ ही गाइस मैंने आज फाइवर से बहुत सारी कस्टम चीजें बनवाई है, जैसे कि अपने एक न्यू स्किन, टेक्सचर पैक एंड एनिमेशन, जो कि आप अभी देख रहे हो। और इसी के साथ साथ हम लॉयल एसएमपी के मेंबर्स का रिएक्शन लेके ओसान से उस सीक्रेट वाले बंदे के बारे में पता निकलवाएंगे जो मेरे पेट को मारने वाला था। तो चलो गाइस फटाफट चलते हैं। तो फाइनली गाइस सबसे पहले मैंने बुला लिया है रोथेस्ट भाई को। हेलो रोथेस्ट भाई, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अरे भाई क्या क्या दिखाने के लिए बुलाया है, जरा बताओ। भाई देखो मत रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला, वेट। ये देखो अरे नया स्किन भाई, मस्त लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है। अरे एकदम चकाचक भाई, मस्त लग रहा है। और क्राउन तो भाई बहुत ही सही लग रहा है। Yes. गजब भाई गजब। अरे वो सब छोड़ो, ये कहाँ से बनाई है स्किन, वो बताओ। भाई ये मैंने बनवाई है फाइवर से। वाह फाइवर से, चलो मैं भी बनाऊंगा भाई। हाँ फाइवर से बनवाना भाई, बहुत मतलब सस्ते में बनवा लिया यार मैंने। मतलब जैसे मैंने बोला उसने मेरे को वैसे बना के दे दिया। मैंने इसमें ग्लासेस, क्राउन एंड अपनी स्किन को थोड़ा रीटेक्सचर करवा लिया और आगे की तरफ टी भी लिखवा लिया। मस्त है भाई, अब तो बनानी पड़ेगी, मैं जा रहा हूँ बनाने। और रोतेश भाई मैंने साथ ही एक टेक्सचर पैक भी बनवाया है, तो मैं तुम्हें डीएम कर रहा हूँ, ठीक है? करो डीएम करो। यस यस यस। और मेरे को यूज करके बताना वो कैसा लगा, ठीक है? ओके ओके, एक घंटे बाद मिलते हैं। ओके एक घंटे बाद मिलते हैं, चलो मैं यूज करके आ रहा हूँ। और रोथेश भाई कैसे लगा? अरे देखा भाई एकदम मस्त टेक्सचर पे गए भाई, अब तो मेरे को ये फाइवर से बनवाना ही पड़ेगा यार, मेरे को भी एक बनवाना है। ठीक है तो मैं अपने स्किन वाले गिग का एंड टेक्सचर पैक वाले गिग का लिंक भेज देता हूँ, ठीक है? तो जल्दी से जाके बनवा लो, बहुत सस्ते में बना रहा है। सच में सस्ते में क्या? मैं तो फिर अभी बनवा रहा हूँ जाकर। ओके रोतेश भाई मैं चला दूसरे बंदों के रिएक्शन लेने। ओके ओके चलो चलो। हेलो कॉपी गेम बिट भाई, कहाँ पे हो? छुपाओ 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 छुपाओ, क्या छुपाओ क्या छुपाओ, मैं खुद तुम्हें कुछ दिखाने आ रहा हूँ। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। क्या गेम बिट भाई, वांटेड क्या है ये? ये क्या ए, क्यों दिखा रहे हो? कुछ नहीं, साइड डेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या है? एक सेकंड मैं इधर देख लेता हूँ। देखो भाई देखो, ये क्या है कॉपी भाई? अरे आपको आपको नहीं भाई पता नहीं, कोई बदमाश पूरा पोस्टर रख के चला गया। अरे भाई ये आप ताला क्यों लग रहे हो? ये क्योंकि मैंने बनवाई है फाइबर से कूल स्किन भाई। क्राउन ये भाई टोपा भी क्राउन भी लग रहे हो आप तो। और ये देखो मेरी आगे, मतलब मैंने आगे टी लिखवा लिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सही फाइबर से बनाया क्या? हाँ फाइबर से बनवाया भाई, बहुत सस्ते में बन रहा था तो मैंने सोचा अपनी स्किन थोड़ी रीटेक्चर करवा लेता हूँ। अरे देखो मैंने भी फाइबर से बनवाया था। अबे तुम तो फाइबर वाले निकले, काफी मस्त प्लेटफॉर्म है यार फाइबर भी। मस्त है भाई, हम इधर एक नया बिल्ड बना रहे हैं, वो भी फाइबर से अभी मंगवाया है। सही है, हम वही बोल रहे थे भाई कि फाइबर की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करो। गाइस फाइबर में जाओ और तुम लोग भी खरीद सकते हो, और तुम लोग बना के पैसे भी कमा सकते हो अगर बना सकते हो तो। और क्या, और लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, काम करेंगे। यस यस हाँ चलो भाई। ओके डैडी, किसी को मत बताना चोरी को मेरे को। ये क्या है ये, चोर भाई चोरी कब से स्टार्ट करी, और ये फोटो कहां से मिला? नहीं अरे यार ए मत, अपना इसको मत घिसो मेरे नाक पे, उतर जाओ कॉपी भाई, मैं नहीं करता कॉपी भाई। ये दिस पोस्टर लाइक्स इट। अरे यार टेडी बेयर किसी को मत बताना इस सब के बारे में भाई। मैं क्या बताऊंगा, ये लोग देख लेंगे खुद, और ये हट भी नहीं रहा भाई। पता नहीं यार छोड़ो, चलो टेडी भाई फिर मिलते हैं यार। ओके भाई इसको छुपा लो जितना जल्दी हो सके, सब देख लेंगे। ओके गाइस बाय 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 टेडी भाई। ओ लेट्स गो।
हाँ भाई, किस लिए बुलाया? ओसान, देखो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया। वो तो है, लेकिन जो तुम चाहते हो टेडी वो नहीं हो सकता। मैं नहीं बता सकता वो बंदा कौन है जिसने तुम्हारा पेट लिया है और वो इतना पावरफुल क्यों है। नहीं बता सकता मैं कुछ भी। ओसान ब्रो, देखो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं सीजन 1 में और हम टीममेट भी अच्छे रहे हैं, और इसी वजह से मैं रुका हुआ हूँ। देखो जो भी बंदा है हम दोनों मिलकर उससे लड़ लेंगे, अगर वो तुम्हें कुछ ब्लैकमेल वगैरह कर रहा है तो। बट अगर ये सब तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो शान, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। भाई देखो, अगर कुछ भी ऐसा होता तो मैं खुद सोच लेता, लेकिन अभी के टाइम पे मैं कुछ नहीं बता सकता। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे मार लो, तुम कुछ भी कर लो, मेरे को किडनैप कर लो, चलेगा, लेकिन मैं नहीं बता सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो शान भाई, लास्ट बार बोल रहा हूँ, सोच लो। अरे तुम कैसे समझाऊं, लेकिन एक मिनट वेट, तुमने कुछ चेंज किया क्या अपने स्किन में? आर्मर उतारना एक बार। ओहो टेडी भाई, क्या बात है, स्किन चेंज किया क्या थोड़ा बहुत? Yes. अरे ये सब करके भी तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। नहीं बता सकता मैं उसके बारे में। वो सब छोड़ो, ये बताओ स्किन कैसी है? स्किन तो यार बढ़िया है, कैसे किया वैसे ये सब? चलो तो फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या करने वाले हो भाई? अबे अरे लड़ाई, अरे लड़ाई कर, पोषण दे दो भाई। ओ मैं कैसे लड़ू, मैं तो अनप्रिपेयर हूँ। मुझे क्या पता, तेरे पास तो आर्मर भी नहीं है भाई, लाइट्रा से लड़ूंगा मैं। आर्मर क्यों नहीं लगाया तेरा अपना? मैं रिपेयर करने के लिए गया था यार, आपने बुला लिया। आया पड़ा मेरे पास क्रिस्टल यार, ना टोटा मैं मेरे पास भाई यार, आर्मर होता ना। अरे कोई नहीं, कोशिश तो कर ही सकता हूँ मैं। कर लो भाई कोशिश करके वैसे कुछ होगा तो नहीं, बट तुम ट्राई कर सकते हो। ट्राई कर रहा हूँ भाई। अच्छा चलो शान भाई, देख लो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। मौका क्या है भाई, मार के लो, मार लो भाई, लो मार लो, क्या दिक्कत है? ओए नहीं, अबे ये क्या लगाया? उस्सान भाई ठीक है भाई, ठीक है। आप जल्दी बता रहे हो कि नहीं भाई? मैं नहीं बता सकता, बता रहा हूं। तुम मेरे को जहां भी दिखोगे मैं तुम्हें वहीं मारूंगा आपसे। अब अगर तुम अगर अभी मेरे को प्यार से बता दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब से अगर तुम मुझे जहां दिखोगे मैं वहीं तुम्हें देखते ही मार दूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम आना भाई, इस बार आर्मर नहीं था ना, नेक्स्ट टाइम तो मैं भेजूंगा भाई, आओ बस। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम भी आऊंगा और उससे नेक्स्ट टाइम भी आऊंगा। ठीक है भाई, देख लेंगे। कोई नहीं ओसान भाई, वो जो भी बंदा है तुमने उसके लिए हमारी दोस्ती को मतलब साइड में रख दिया भाई। रीजन भी है उसका, ऐसे नहीं कर दिया भाई, पता चलेगा। जो भी रीजन ओसान भाई, अगर तुम मेरे से एक बार डिस्कस कर ले तो क्या पता हम उस बंदे से मिलके लड़ लेते, अगर वो कोई बंदा है तो। क्यों पॉसिबल नहीं है? हर एक चीज पॉसिबल है, बस करने का जज्बा होना चाहिए। नहीं है भाई, मैंने बोल दिया, मैं इतनी बार बताऊं, पॉसिबल होता तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता, बस इंतजार करो आपको पता चल जाएगा मैं सब क्यों कर रहा हूं। ओसान भाई तुम मेरे को बता रहे हो या नहीं? पॉसिबल नहीं है भाई। पक्का? फिर आ रहे हो भाई? इस बार तो मैं इंतजार नहीं करूंगा, इस बार तो मेरे पास रॉकेट भी है भाई। नहीं, इस बार भाई रॉकेट। फिर क्या कर रहे हो भाई, क्या है? ओसान भाई सोच लो। हाँ सोच लिया भाई, बोल दिया ना, मैं नहीं बता सकता यार, मैं बहुत बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा अगर मैंने वो किया तो। वो जो भी प्रॉब्लम है हम देख लेंगे, बस इंतजार करो। इंतजार? अगर मेरे पेट को कुछ हुआ तो मैं बता रहा हूँ। ओसान भाई मैं नहीं बता सकता तो ओके टेडी भाई, सुनो, मैं एक आपको एक लास्ट बार बताना चाहता हूँ, मेरा पीछा करके मेरे को मार के कोई फायदा नहीं है, वो हम सबसे सारे प्लेयर से आगे है, नहीं कोई फायदा है, मत करो, कुछ फायदा नहीं है। अरे कुछ टूट क्यों नहीं रहा? अच्छा नहीं है फायदा भाई, नहीं फायदा है, मेरे पीछे पड़ के कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे नहीं यार मत करो डैडी भाई, तुम मेरे को कोई क्लू नहीं कर सकता, अगर मैंने कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो प्लीज तुम करो, मैं चाहता हूँ तुम करो और करके मेरे को कुछ ना कुछ क्लू तो दो भाई। मैं क्या बताऊँ, मैं अगर करना होता तो मैं कर चुका होता। आई नो हम पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, बट वो बात पेट की नहीं है, वो उस प्लेयर की है जो ये सब कर रहा है। और क्या वो मेरे पेट को कुछ करने वाला है, बस इतना बताओ। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, अगर मैंने बताया हाँ तो या ना। उसान भाई तुम्हें हाँ या ना में से एक चूज करना है, क्या वो मेरे पेट को कुछ करेगा? मैं कुछ नहीं बता सकता इससे रिलेटेड, बस इतना कहूंगा कि मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाला है। अगर मिलना होता तो मैं बता देता बिना आपसे पूछे, आप बताते उससे पहले मैं बता देता। क्या वो तुम्हें, क्या वो प्लेयर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? वो ब्लैकमेल ही नहीं, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसने कुछ भी किया मेरा इस सर्वर से नामो निशान मिट सकता है। अब समझा करूं मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उसके कहने पे एकदम ही कठपुतली बन रहा हूँ, सच में वो बहुत खतरनाक है।
हुसैन भाई बता दो यार भाई, तुम्हें उसके नेक्स्ट मूव के बारे में पता है? मुझे उसके कुछ मूव के बारे में कुछ भी पता है, बता नहीं सकता मैं, वरना देखो सुनो टेरी भाई, आपको पता होगा सर्वर के अंदर बहुत कुछ। छोड़ो हुसैन भाई, नहीं नहीं आप मुझे नहीं सुनना कुछ भी। हुसैन भाई तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार मार भी नहीं सकता, बट अब तुम्हारे जरिए नहीं, बट मैं उस प्लेयर तक कैसे भी करके पहुंच करूंगा। तो मेरे कुछ बता तो नहीं रहे, बट मेरा मैसेज उस तक जरूर पहुंचा देना कि मैं बहुत जल्द उस तक पहुंचने वाला हूं, और वो अब जितना चाहे मेरे से बच नहीं सकता। ठीक है भाई, देख लेंगे, देख लेंगे भाई, जल्दी देखना। तो गाइस फिलहाल की बात करें तो हमने हर एक चीज़ करके देख ली, हमने हुसैन को मार के देख लिया, धमका के देख लिया, उससे रिक्वेस्ट करके देख ली, बट वो किसी भी हालत में हमको बताने को तैयार नहीं है। और अभी के लिए मैंने सोचा था कि मैं हुसैन से उस बंदे के बारे में पता निकलवा लूंगा, बट ये मेरे को टोटली इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि उस बंदे ने हुसैन के साथ कुछ तो किया है। खैर अब अगर वो बंदा इस वाली वीडियो को देख रहा है तो भाई यस, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ कि बेटा मैं बहुत जल्द उस तक पहुंचने वाला हूँ, तो जितना हो सके बच ले, जितना हो सके छुप ले, जितना हो सकता है मेरा रास्ता तू मुश्किल बना ले, बट जल्द ही मैं तेरी आंखों के सामने खड़ा हूंगा, अपनी आखिरी गिनती स्टार्ट कर दे। और साथ ही गाइस अगर आपको भी कूल एनिमेशन एंड स्किन या फिर टेक्सचर पैक या फिर माइनक्राफ्ट रिलेटेड कुछ भी बनवाना है, जल्दी से जाकर फाइवर रजिस्टर कर सकते हो एंड ऐसी कूल चीजें बनवा सकते हो, एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके टेक्सचर पैक को डाउनलोड कर लेना। मैं चलता हूं, मिलूंगा एक और न्यू लेवल एसएमपी के साथ, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।